हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये आपके लिए सम क्लास 11 का चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है ना। तो ये ऑर्निक का चैप्टर इसका पार्ट थ्री। पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पार्ट वन टू में नोमेनक्लेचर देखा था। नोमेनक्लेचर काय का देखा था हमारे पास, जब एक फंक्शन ग्रुप था और हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे तब। और अब ये इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, आईपीसी नोमेनक्लेचर फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो इसमें हमें क्या देखना है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का पहली बात मतलब क्या होता है। ऐसे कंपाउंड हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड देन CHO, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इन दिस केस देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, वन इज एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, एक है हमारे पास एल्डिहाइड दिस वन, एंड जो सेकेंड वन है वो है हमारे पास ये, यानी सी डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब क्या करना है। जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप को क्या मानना है, प्रिंसिपल, है ना, और दूसरे को क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल बोलेंगे या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब इसका सिलेक्शन हमारे पास हम किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, SO3H, फिर COH, फिर सी डबल एनहाइड्राइड ग्रुप है, फिर ईस्टर है, फिर एसिड हैलाइड है, एमाइड है, साइनाइड है, CHO है, सी डबल बॉन्ड कीटोन है, OH एल्कोहल ग्रुप और NH2। इसके बाद चाहें तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर में चाहें तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड C, सी ट्रिपल बॉन्ड C, बस इतना। तो अभी मैंने क्या बोला, हमें सबसे पहले देखना है भाई कि इस सीरीज में हर फंक्शनल ग्रुप काय की तरह काम कर सकता है, प्रिंसिपल की तरह भी और सब्स्टिट्यूएंट की तरह। मतलब मैंने इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO है, एक C डबल बॉन्ड हो। तो CHO हमारे पास पहले, CHO यहाँ पर है काय से, C डबल बॉन्ड हो से, मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। आप अगर मान लीजिए साइनाइड है और CHO है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास साइनाइड क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो हर फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर सकता है। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इस सीरीज के आधार पर। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। पहले कौन आ रहा है सीरीज में, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड प्रिंसिपल हो गया, यानी हम नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, वन, ठीक है, फिर वन के बाद टू थ्री, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पांच कार्बन, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है इसको हमने क्या बोला भाई, ये हमारे पास ये ग्रुप क्या कहलाया है, CHO वाला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, एक ही बात है, प्रिंसिपल और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये हुआ। और जो बचा रिमेनिंग, यानी सी डबल बॉन्डो, इसको हम क्या बोलेंगे, सी डबल बॉन्डो को ये क्या कहना है हमारे पास, सेकेंडरी, ठीक है, और सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी और सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करी हमने, हमने बोला हम जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड को हमने प्रेफरेंस दिया, और प्रिंसिपल के लिए कौन से नाम आएंगे, ये वाले जिस पे मैंने लिखा है सेकेंडरी सफिक्स, ये वाले नाम, और प्रिंसिपल और प्राइमरी के लिए ये वाले नाम, और जो बचे कौन, सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी, है ना, उसके लिए हमारे पास ये कौन से नाम आएंगे, ये वाले, जहाँ पर ये प्रिफिक्स लिखा है, ये वाले सेकेंडरी प्रिफिक्स, ये जहाँ पर ये वाले नाम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, CHO के लिए क्या आएगा, CHO के लिए आएगा अल, तो पेंटेन वन अल, ठीक है।
और चूंकि ये बॉबिन से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम इसका टर्मिनली रिप्लेस कर देंगे। ठीक, देन फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ के लिए क्या आएगा, कीटो। तो ये क्या आ जाएगा, वो काय पर ये फोर पर है, क्या आ जाएगा, फोर डैश कीटो, ठीक है, पेंटेन वन अलो। तो ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये एक बार और देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीफंक्शन। पॉलीफंक्शन में फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड पहले है, कीटोन बाद में है, तो प्रिंसिपल में और प्राइमरी कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड, और सी डबल बॉन्ड हो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। जो प्राइमरी और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए ये वाले नाम आएंगे, है ना, प्रिंसिपल और प्राइमरी के लिए, ठीक है। और जो दूसरे बच गए हैं हमारे पास वो क्या है हमारे पास, सेकेंडरी और सब्सिक्वेंट, तो उनके लिए ये वाले नाम आएंगे, सेकेंडरी और सब्सिक्वेंट के लिए, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और सब्सिक्वेंट के लिए ये वाले नाम आएंगे। तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच सी डबल बॉन्ड हो, सी एच टू सी एच ओ, सी एच ओ के लिए क्या था, अल, तो ये आ गया अल, ठीक है, पेंटेन वन अल, पहले कार्बन था, नंबरिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट होगी। अब बचा था सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो के लिए क्या आया, कीटो। कीटो कहाँ है, ये रहा सी डबल बॉन्ड हो, इसके लिए आ गया कीटो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉलीफंक्शन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक एग्जांपल और, एक दो एग्जांपल और देखेंगे। देखिए आगे का एग्जांपल हमारे पास ये ऐसा है, इस प्रकार से है,